हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या चैनल पर। मैं आपका दोस्त राम शर्मा। तो दोस्तों, आज हम लेंगे भारत देश के मंत्रिमंडल को। तो भारत देश के मंत्रिमंडल के बारे में आज हम जानकारी लेंगे, उससे संबंधित जो है प्रश्न उत्तर हम आप यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों, भारत देश के प्रधानमंत्री का नाम है श्री नरेंद्र मोदी। क्या नाम है? श्री नरेंद्र मोदी। और ये कौन सी पार्टी से हैं? ये हैं दोस्तों बीजेपी से, ठीक है। और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत के गृह मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों, भारत के गृह मंत्री का नाम है श्री अमित शाह, और इन ये भी बीजेपी पार्टी से हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र है गांधीनगर। कौन सा है? गांधीनगर, गुजरात से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के रक्षा मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री का नाम है श्री राजनाथ सिंह जी, और ये भी बीजेपी पार्टी से हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री का नाम है श्री डीवी सदानंद गौड़ा, और ये भी बीजेपी पार्टी से हैं दोस्तों, और इनका संसदीय क्षेत्र जो है वो है बेंगलोर। इनका संसदीय क्षेत्र जो है वो बेंगलोर है बेटा, है ना। नेक्स्ट है, भारत के सड़क परिवहन व राज मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों, भारत के सड़क परिवहन राज मंत्री का नाम है श्री नितिन जयराम गडकरी। क्या नाम है? श्री नितिन जयराम गडकरी। और इनका संसदीय क्षेत्र है, ये वैसे पार्टी बीजेपी से ही है, और इनका संसदीय क्षेत्र है अपना नागपुर। कौन सा है? नागपुर है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के वित्त मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों, भारत के वित्त मंत्री का नाम है श्रीमती निर्मला सीतारामन, और ये भी बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी की पार्टी से ही है, और ये इनका एक्चुअली संसदीय क्षेत्र नहीं है, ये राज्यसभा से है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों, भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री का नाम है श्री राम विलास पासवान, ठीक है, और ये लोजपा पार्टी से हैं, और इनका भी कोई संसदीय क्षेत्र नहीं है, राज्यसभा से भी नहीं है, लेकिन ये मंत्री हैं दोस्तों, ठीक है। भारत के कृषि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का नाम बताओ। किसका नाम बताना है? भारत के कृषि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज। तो दोस्तों, इनका नाम है श्री नरेंद्र तोमर, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है इनका? श्री नरेंद्र तोमर है, और ये भी बीजेपी के नेता हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र जो है वो है मुरैना, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के कानून और न्याय तथा संचार मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों, इनका नाम है श्री रविशंकर प्रसाद। क्या नाम है? श्री रविशंकर प्रसाद, और ये भी बीजेपी के नेता हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र जो है वो है पटना साहिब। कौन सा है? पटना साहिब। नेक्स्ट है, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों, भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री का नाम है श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। क्या नाम है? श्रीमती हरसिमरत कौर बादल। और दोस्तों, ये साध पार्टी से हैं, SED, और इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो है बठिंडा, पंजाब, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री का नाम क्या है? श्री थावरचंद गहलोत। क्या है? श्री थावरचंद गहलोत।
और दोस्तों ये हैं तो बीजेपी पार्टी से, और लेकिन ये इनका कोई संसदीय क्षेत्र नहीं है, ये राज्यसभा से हैं। कहाँ से हैं? राज्यसभा से हैं। नेक्स्ट है, भारत के विदेश मंत्री का नाम बताओ। किसका बताना है? भारत के विदेश मंत्री का। तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री का नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर। क्या नाम है? डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर। ये भी बीजेपी पार्टी से हैं, और दोस्तों पहले ये भूतपूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं, पहले विदेश सचिव रह चुके हैं ये। और नेक्स्ट है, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बताओ। किसका बताना है? भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम। तो दोस्तों इनका नाम है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम है? श्री रमेश पोखरियाल निशंक। और ये भी बीजेपी पार्टी के नेता हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र जो है वो है हरिद्वार। कौन सा है? हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं, भारत के जनजातीय मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों भारत के जनजातीय मंत्री का नाम है श्री अर्जुन मुंडा, और ये बीजेपी के नेता हैं, और इनका संसदीय क्षेत्र जो है वो है दोस्तों झारखंड में खूंटी। कौन सा है? खूंटी। कहाँ आता है ये? झारखंड में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं, भारत के महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों इनका नाम है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, और ये भी बीजेपी की ही नेता हैं। और दोस्तों ये उत्तर प्रदेश अमेठी से, कहाँ से? अमेठी संसदीय क्षेत्र से एमपी हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री का नाम बताओ। किसका बताना है? भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री का नाम। तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री तो होंगे। ठीक है, तो इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, और दोस्तों ये भी बीजेपी के नेता हैं, और ये दिल्ली चांदनी चौक से मंत्री हैं। कहां से हैं? चांदनी चौक से हैं। ठीक है दोस्तों, ओके, नेक्स्ट लेते हैं, भारत के सूचना और प्रसारण एवं भारी उद्योग मंत्री का नाम बताओ। किसका बताना दोस्तों? भारत के सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग मंत्री का नाम। क्या नाम बताना है? भारी उद्योग मंत्री का नाम। तो दोस्तों इनका नाम है श्री प्रकाश जावड़ेकर। क्या नाम है? प्रकाश जावड़ेकर। और दोस्तों हैं तो ये बीजेपी के नेता, लेकिन इनका कोई संसदीय क्षेत्र नहीं है, ये भी राज्यसभा के मेंबर हैं। कहाँ के हैं? राज्यसभा के मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं, भारत के रेलवे मंत्री का नाम बताओ। किसका नाम बताना दोस्तों? भारत के रेलवे मंत्री का नाम। तो भारत के रेलवे मंत्री का नाम है दोस्तों पीयूष गोयल। क्या नाम है? पीयूष गोयल। और ये भी बीजेपी के ही नेता हैं, है ना? और दोस्तों ये भी राज्यसभा के सदस्य हैं। कहाँ के हैं? राज्यसभा से हैं। ठीक है दोस्तों, अब आए भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों भारत के पेट्रोलियम मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, और ये भी बीजेपी के नेता हैं। दोस्तों बीजेपी के ही एमपी हैं, और लेकिन इनका भी कोई संसदीय क्षेत्र नहीं है, ये भी राज्यसभा से हैं। कहाँ से हैं? राज्यसभा से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, भारत के अल्पसंख्यक मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों भारत के अल्पसंख्यक मंत्री का नाम है श्री मुख्तार अब्बास नकवी। क्या नाम है? श्री मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों हैं तो बीजेपी के नेता, लेकिन ये भी राज्यसभा से हैं। कहाँ से हैं? राज्यसभा से। नेक्स्ट है, भारत के कोयला और खान मंत्री का नाम बताओ। किसका? कोयला और खान मंत्री का। तो
दोस्तों कोयला और खान मंत्री का नाम है डॉक्टर प्रहलाद जोशी। क्या नाम है? डॉक्टर प्रहलाद जोशी। और दोस्तों ये एक्चुअली बीजेपी के नेता हैं और ये हैं कर्नाटक धारवाड़ से। कहाँ से हैं? धारवाड़ से, संसदीय क्षेत्र से ये एमपी हैं और कर्नाटक से हैं। नेक्स्ट है भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री का नाम बताओ। ठीक है दोस्तों, भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री का नाम तो दोस्तों ये हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है दोस्तों, और ये भी बीजेपी के ही हैं और ये यूपी चंदौली से हैं। कहाँ से हैं? चंदौली से, चंदौली संसदीय क्षेत्र से एमपी हैं दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री का नाम बताओ। ठीक है दोस्तों, किसका बताना है? पशुपालन और डेयरी मत्स्य मंत्री का नाम बताना है। तो दोस्तों ये हैं हमारे श्री गिरिराज सिंह। कौन है? श्री गिरिराज सिंह जी। और ये भी बीजेपी के नेता हैं और बिहार में बेगूसराय से हैं। कहाँ से हैं? बेगूसराय मंत्री हैं, बेगूसराय से ये एमपी हैं और ये पशुपालन डेयरी मंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के जल शक्ति मंत्री का नाम बताओ। किसका? भारत के जल शक्ति मंत्री। तो दोस्तों भारत के जल शक्ति मंत्री का नाम है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और दोस्तों ये भी बीजेपी के ही हैं, एमपी हैं और ये जोधपुर राजस्थान से हैं। कहां से हैं? जोधपुर राजस्थान से हैं ये। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों, भारत के श्रम और रोजगार मंत्री का नाम बताओ। किसका बताना है? श्रम और रोजगार मंत्री का नाम। तो दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्री का नाम है श्री संतोष कुमार गंगवार। क्या नाम है? श्री संतोष कुमार गंगवार। ये भी बीजेपी के ही हैं और ये बरेली से एमपी हैं। कहां से हैं? बरेली से हैं। दोस्तों ये हैं तो राज्य मंत्री, लेकिन इनको ये श्रम और रोजगार मंत्रालय का इनके पास में स्वतंत्र प्रभार है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट, भारत के सांख्यिकी और योजना मंत्री का नाम बताओ। किसका? सांख्यिकी और रोजगार मंत्री का नाम बताओ। तो इनका नाम है श्री राव इंद्रजीत सिंह। क्या नाम है? राव इंद्रजीत सिंह। और ये कहाँ से हैं एमपी? ये हैं बीजेपी के नेता हैं और एमपी हैं ये गुरुग्राम से। कहां से हैं? गुरुग्राम से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं, भारत के आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्री का नाम बताओ। किसका नाम बताना है? भारत के योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा मंत्री का नाम। दोस्तों ये हैं श्रीपद येसो नायक। कौन है? श्रीपद येसो नायक। और ये बीजेपी के नेता हैं और ये गोवा गोवा उत्तर गोवा से। कहां से हैं? उत्तर गोवा से। उत्तर गोवा से एमपी हैं दोस्तों। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री का नाम बताओ। किसका नाम बताना है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री का नाम। तो दोस्तों इनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या नाम है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और ये बीजेपी से ही हैं और उधमपुर जम्मू कश्मीर से एमपी हैं। कहाँ से हैं? उधमपुर जम्मू कश्मीर से एमपी हैं। नेक्स्ट है भारत के युवा मामले और खेल मंत्री का नाम बताओ। भारत के युवा मामले और खेल मंत्री का नाम, तो दोस्तों इनका नाम है श्री मती किरण रिजिजू। श्री किरण रिजिजू सॉरी। और ये बीजेपी से ही हैं और
अरुणाचल पश्चिम से ये अरुणाचल पश्चिम से ये एमपी हैं। भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री का नाम बताओ। किसका बताना है? भारत के संस्कृति और पर्यटन मंत्री का नाम। तो दोस्तों संस्कृति और पर्यटन मंत्री का नाम भी श्री प्रहलाद सिंह पटेल है। क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पटेल। और ये मध्य प्रदेश दमोह से, कहाँ से हैं? दमोह से एमपी है। कहां से हैं? दमोह से एमपी है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट है भारत के बिजली और ऊर्जा मंत्री का नाम बताना है। किसका? बिजली और ऊर्जा मंत्री का नाम बताना है दोस्तों। तो ये हैं श्री राजकुमार सिंह दोस्तों। कौन है? राजकुमार सिंह हैं और बीजेपी के ही मंत्री हैं, ये भी बीजेपी से हैं, ठीक है दोस्तों। कौन है? राजकुमार सिंह जी। और ये आरा बिहार से हैं। कहां से? आरा बिहार से। नेक्स्ट है भारत के आवासन और शहरी कार्य तथा नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताओ। किसका बताना दोस्तों? भारत के आवासन शहरी कार्य तथा नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताना दोस्तों। तो इनका नाम है श्री हरदीप सिंह पुरी। किस क्या नाम है? श्री हरदीप सिंह पुरी। और ये भी बीजेपी के ही नेता हैं दोस्तों, ठीक है। और ये भी राज्यसभा से हैं। कहाँ से हैं? राज्यसभा से। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री का नाम बताओ। किसका बताना है? रसायन और उर्वरक मंत्री का नाम। तो दोस्तों ये हैं मनसुख एल मंडाविया। क्या नाम है? मनसुख एल मंडाविया हैं। और ये भी बीजेपी के नेता हैं लेकिन ये राज्यसभा से हैं, ठीक है। भारत के इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताओ। किसका? भारत के इस्पात। तो इनका नाम है दोस्तों फग्गन सिंह कुलस्ते। क्या नाम है? फग्गन सिंह कुलस्ते। और ये भी बीजेपी के ही एमपी हैं। और मंडला कहाँ से हैं? मंडला मध्य प्रदेश से एमपी हैं। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों इनका नाम है अश्विनी कुमार चौबे। ये भी बीजेपी से ही है दोस्तों, ठीक है ना। और ये बक्सर बिहार से एमपी हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के संसदीय कार्य एवं भारी उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताओ। तो दोस्तों ये हैं अर्जुन राम मेघवाल। और ये बीजेपी के ये नेता हैं। और ये बीकानेर राजस्थान से एमपी हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं भारत के सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताइए। किसका? भारत के सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये हैं जनरल वीके सिंह। कौन है? जनरल वी के सिंह। और ये दोस्तों बीजेपी के नेता हैं। और कहां से हैं? गाजियाबाद से। कहां से हैं? गाजियाबाद से दोस्तों। भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताइए। किसका? भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री का नाम। तो इनका है श्री कृष्ण पाल गुर्जर। ये भी बीजेपी के नेता हैं, ठीक है दोस्तों। और ये फरीदाबाद हरियाणा से हैं। कहाँ से हैं? फरीदाबाद हरियाणा से। नेक्स्ट है भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताइए। किसका बताना है? भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का नाम बताना है।
ठीक है। तो इनका है दोस्तों राव साहेब दादा राव दानवे, ठीक है, राव साहेब दादा राव दानवे, और ये भी बीजेपी के नेता हैं, और ये कहां से हैं, जालना। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट लेना है अपने को भारत के गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम बताओ, किसका, भारत के गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री का नाम। तो दोस्तों भारत के गृह मंत्री के राज्य मंत्रालय का नाम है श्री जी किशन रेड्डी। क्या नाम है, श्री जी किशन रेड्डी, और ये भी बीजेपी के नेता हैं, और सिकंदराबाद। तेलंगाना से है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम यही लेंगे, इतना ही लेंगे, है ना। बाकी का जो मंत्रालय के बचे हुए मंत्रियों के नाम है वो हम अगले वीडियो में लेंगे। तो आज के लिए सफिशियंट है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ठीक है ना, और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, ओके।